हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज है नागपंचमी, तो आप सभी लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोले जी की कृपा हम सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता देवी रियल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड, ये सोमवार का वीडियो है और मम्मी हमारी सुबह सुबह कर रही हैं लिपाई घर की। और आज के दिन हमारे यहाँ दूध रखते हैं नाग देवता को पीने के लिए, तो इसी वजह से पूरे घर की लिपाई की जाती है। और मम्मी लिपाई कर ही रही थी कि एक भाई साहब चूड़ी लेकर आ गए थे, चूड़ी बेचने के लिए। तो हम खरीद रहे थे चूड़ी, तो ये वाली चूड़ी हमने खरीदी है जो ग्रीन कलर की है। और ये देखिए अभी रखी है, तो ग्रीन कलर की चूड़ी और रेड कलर की चूड़ी हम दोनों मिलाकर के खरीदेंगे। और बहुत ही अच्छी लग रही थी ये वाली चूड़ियाँ हमको, तो हम और मम्मी सभी लोग लेने लगे थे चूड़ी। और दोस्तों, जुखाम होने की वजह से हमारी आवाज़ थोड़ा भारी भारी सी लग रही है और बहुत ज़्यादा जुखाम है, बुखार भी है हल्का हल्का, इसी वजह से आवाज़ बहुत भारी लग रही है। और सावन के महीने में सभी लोग हरे कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इसी वजह से हम भी हरे कलर की चूड़ियाँ ही ले रहे हैं। और ये हमारी भतीजी है, मतलब सभी बच्चे थे, मीठी है, इन लोगों को भी लेंगे हम कंगन या चूड़ी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि अभी जब आए थे तब इनके लिए लेकर के आए थे, लेकिन सब इन्होंने पहन डाली है, पुरानी हो गई है, तो बोल रही बुआ नहीं ले दो, इस वजह से नई चूड़ियाँ ले रहे हैं। और दोस्तों, चूड़ियाँ खरीद ही रहे थे कि हमारा हल्का हल्का सा पेट तो सुबह से ही दर्द हो रहा था, हमको लग रहा था कि आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, पूरा दिन पेट दर्द करता रहा मंडे वाले दिन। फिर रात को हम गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल हम पहुंच गए थे वही करीब 10 बजे, क्योंकि यहाँ से ही काफ़ी टाइम हो गया था। तो जब एम्बुलेंस आई तो हम लोग गए हॉस्पिटल, और हमारे साथ में हमारी मीठी भी गई थी हॉस्पिटल। और मंडे वाले दिन पूरी रात हॉस्पिटल में लाइट नहीं आई, इस वजह से हम सब लोग नीचे मतलब फर्श पर ही सो रहे थे। और यह डिलीवरी होने के बाद का ही वीडियो है। तो ये है हमारी नन्ही सी परी जिसने अभी जन्म लिया है, छोटी सी, तो ये नीचे सो रही थी और चारपाई पर लेटे थे, वहाँ पर पंखा नहीं चल रहा था, लाइट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर हम आकर नीचे लेट गए थे। और ये है मंगलवार का वीडियो, यानी कि नागपंचमी के दिन का वीडियो। और हमारे यहाँ इस त्यौहार को गुड़िया भी बोलते हैं, तो ये सभी बच्चे गुड़िया कोटने के लिए जा रहे हैं कांटे वगैरह लेकर के। तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसे कोटते हैं गुड़िया। ये गांव के बाहर तालाब है, तालाब के किनारे है, तो गांव की सभी लड़कियाँ गुड़िया बना बना के ले जाती हैं। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी कोटते हैं, बड़े बच्चे भी कोटते हैं, तो ये लड़कियाँ गुड़िया डालती हैं और ये बच्चे कोटते जाते हैं और कांटों में गुड़िया फंसा लेते हैं, फिर ये अपने खेतों में डालती हैं, मतलब लगा देते हैं। और कहा जाता है कि इनसे खेतों की रखवाली होती है। तो देखिए, इसी तरह से सारे बच्चे गुड़िया कोट रहे हैं। और इन साल हम नहीं जा पाए, और हमारी दीदी का लड़का भैया सभी लोग गए थे, तो वही लोग वीडियो बना करके लाए हैं। और ये हैं ढोल बजाने वाले, तो सब लोग इनको कोहरी देते हैं, जो चना और गेहूं की कोहरी उबाल के ले जाई जाती है वही कोहरी इनको दे देते हैं। और फिर गुड़िया कोटने के बाद जो सफ़ेद वाली दूब होती है घास, उसको हम लोग घर पे लाते हैं ढोड़ के। तो ये गुड़िया डालने के बाद सभी लड़कियाँ मेड़ों पे जा कर के खेतों में घास ढूंढती हैं, और वही घास आकर के जानवर जहाँ बांधे जाते हैं खूंटा पे, वहाँ पे रख देती हैं। ये तो नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा सभी लोग करते हैं। और हम भी जब छोटे थे तो हम भी जाते थे गुड़िया डालने, और बहुत अच्छा लगता था। ये है हमारा भतीजा और भाभी की बहन, सभी लोग गए थे गुड़िया डालने के लिए। और गुड़िया डालने के बाद फिर मतलब जिसको वहाँ पे
नहाना है तो नहाता है, नहीं तो फिर घर में आकर के नहाती है। और इसी तरह से हमारे मायके में होता है गुड़ियों का त्यौहार, नागपंचमी का त्यौहार, और हमारे ससुराल में इस तरह से नहीं मनाते हैं लेकिन मायके में होता है। और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो गुड़िया डालने के बाद सभी लोग नहाते हैं तालाब में। जब हम लोग छोटे थे तो कभी कभी नहा लेते थे, नहीं तो घर पे आके नहाते हैं, ऐसे घर के अंदर नहीं जाया जाता है। तो देखिए ये सभी बच्चे नहा रहे हैं, लड़कियां तो अब नहीं नहाती हैं क्योंकि घर पे ही नहाती हैं। और इन साल ये तालाब कम भरा हुआ है, नहीं तो पूरा भर जाता है, बारिश बहुत कम हुई है इस वजह से। तो ये जितने छोटे बच्चे हैं किनारे पर ही नहा रहे। वैसे तो ये तालाब बहुत गहरा है और जिस ये पुल पे खड़े हैं ये जो बनी हुई है पूरे डूब जाते हैं जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो। और देखिए ये छोटी लड़की है तो नहा लेंगी, पर जो बड़ी बड़ी हैं वो घर पे ही जाके नहाएंगी। जब हम लोग छोटे थे तब नहा लेते थे लेकिन अब जो जाती हैं तो वो नहीं नहाती है, पानी भी इतना अच्छा नहीं रहता है इस वजह से। और इन साल बहुत कम बारिश हुई है और तालाब से आने के बाद कोई पहले या बाद में ये कूदते हैं कूरी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, शायद कूरी ही कहते हैं। तो ये लोग दौड़ के आते हैं दूर से और ये जो मिट्टी है इसी के यदि इस तरफ आ गए तो मतलब जीत जाते हैं, नहीं आ पाए तो हार जाते हैं, कौन कितना आगे आया कौन कितना पीछे रह गया ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। और जो प्रधान होते हैं वो ये पैसों से करवाते हैं, मतलब शर्त लगवाते हैं कौन कितना आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा, जो जीत जाता है उसे रुपए मिलते हैं। तो ये सब ये होता है और दंगल भी होता है, तो आप लोग देखते जाइए एंजॉय कीजिए। और ये देखिए ये हमारी भाभी की बहन की लड़की है जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है, ये आई है। और ये हमारी दोनों भतीजी हैं जो झूला झूल रही हैं। और ये सब भाभी लोग बैठी हैं, हमारी बुआ लोग सभी लोग हमारे यहाँ ऐसे ही ये जो खेतों में ट्रैक्टर में जिसे हम लोग पाटा बोलते हैं वही बांधते हैं या फिर मोटा डंडा बांधते हैं झूला में, और पीपल या फिर मोटी नीम में झूला डाला जाता है और सभी लोग बैठ बैठ के रात में दोपहर में ऐसे ही झूला झूलते हैं। तो ये सभी लोग झूल रहे हैं झूला
और हमारा दीदी का लड़का है वही वीडियो बना रहा है, हम तो गए नहीं बाहर। और मतलब सभी लोग झूला झूलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए और आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गुड़िया डालने का वीडियो तो हमने डाल दिया है, लेकिन गुड़िया बनाते हुए अब ऐसे वीडियो आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हम घर पे ही नहीं थे। गुड़िया डालने ये लोग जा रहे थे, हम हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से थोड़ा लेट आए थे हम। और ये देखिए हो रहा है दंगल, छोटे बच्चों से करते हैं शुरुआत और फिर सभी बड़े बूढ़े सभी लोग दंगल करते हैं और जो जीतता है तो उसे रुपए मिलते हैं। और ये दंगल की जो मिट्टी है इसको घर ले जाया जाता है और इसी में बोई जाती हैं कजरियाँ, जो कि रक्षाबंधन के पहले कजरियों का त्यौहार आता है। और कान में लगाई जाती हैं कजरियाँ, जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों को देती हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है नागपंचमी का त्यौहार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।